मूवी के स्टार्ट होते ही दो कॉलेज स्टूडेंट दिखाए जाते हैं जिनमें एक पैक्सटन और दूसरा जोश था ये दोनों दरअसल यूरोप में घूमने आए होते हैं फिर उन लोगों को आइसलैंड में उनका एक फ्रेंड ओली मिल जाता है और वो तीनों मिलकर एम्स्टरडेम जाते हैं और लेट नाइट वो एक नाइट क्लब से अपने हॉस्टल में वापिस आते हैं तब उसका डोर क्लोज होता है जिसे कोई भी नहीं खोल रहा होता और मजबूरन उन्हें बाहर ही स्टे करना पड़ता तभी उनके नेबर में एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है वो उन लोगों को अपने फ्लैट पर बुलाता है और ये लोग चले भी जाते हैं एलेक्स उन लोगों को मशवरा देता है कि वो स्लोवाकिया के एक हॉस्टल में चले जाएं जहां पर उन्हें बहुत ज्यादा गर्ल्स मिलेंगी वो लोग तो पहले ही अमेरिका से यूरोप अयाशी करने आए थे और अब उसकी बात सुनकर वो अगले ही दिन स्लोवाकिया के ट्रेन में बैठ जाते हैं उस ट्रेन में वो लोग बिजनेस मैन से मिलते हैं और जब वो खाना खा रहा था तब उसके हाथ बहुत ज्यादा थ्रिलिंग हो रहे थे जिसे देख कर वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं क्यूँकी वो शख्स इन्हें काफी अजीब लग रहा था फिर वो लोग आपस में बातें करना शुरू हो जाते हैं और बातों बातों में वो आदमी जोश के पर हाथ रख देता है जिससे जोश को काफी गुस्सा आता है और वो काफी चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है और थोड़ी ही देर में उन लोगों की मंजिल यानी स्लोवाकिया आ जाता है स्लोवाकिया के स्टेशन पर उतरते ही वो देखते हैं कि वहाँ पर उन तीनों के अलावा कोई भी मौजूद नहीं है स्टेशन बिल्कुल ही खाली है और वो लोग उसी हॉस्टल में जाते हैं और हर तरफ उन्हें लड़कियाँ ही लड़कियाँ नजर आती है जिन्हें देख वो काफी खुश हो जाते हैं इसके बाद वो लोग अपने रूम में जाते हैं और वहाँ पर अपनी रूम नतालिया और स्वेट से मिलते हैं वो दोनों लड़कियाँ उन्हीं में जाने के लिए इनवाइट करती है इसके लिए वो एग्री हो जाते हैं और उनके पीछे पीछे में चले जाते हैं और इसके बाद वो लड़कियाँ उन्हें एक डांसिंग क्लब में लेकर जाती है और वहाँ जाके वो सब काफी इंजॉय करते हैं फिर जोश फ्रेश होने के लिए क्लब से बाहर आता है तब उस कम्युनिटी के कुछ क्रिमिनल बच्चे उसे घेर लेते हैं और उसे पैसे निकालने की डिमांड करते हैं तब वही बिजनेस मैन वहाँ पर पहुँच जाता है और पैसे उनके आगे फेंक देता है और वो बच्चे उन पैसों को उठा कर वहाँ ऐसी भाग जाते जोश उस आदमी को थैंक्स बोलने के साथ साथ उसे ड्रिंक ऑफर करता है और ट्रेन में किए हुए अपने बिहेव पर भी एक्सक्यूज करता है वो जोश को कहता है कि जितनी उसकी एज है उसके मुताबिक उसे यही करना चाहिए कि वो गुस्से को बर्दाश्त करके बैठ जाए और इसके अलावा वो कर भी क्या सकता था और दूसरी तरफ ऑली रिसेप्शन पे मौजूद लड़की को अपने साथ लेकर कहीं चला जाता सुबह उठ कर वो दोनों काफी खुश होते हैं क्यूँकी जो सोच कर वो यहाँ आए थे उससे भी कई ज्यादा वो अयाशी कर चुके थे लेकिन ऑली उन्हें कहीं भी नहीं मिल रहा था वो ऑली का कई बार फोन ट्राई करते हैं लेकिन उसका मोबाइल भी नहीं लग रहा होता फिर रिसेप्शनिस्ट उनको बताता है कि ओली तो सुबह ही चेकआउट कर गया है लेकिन ये बात उन लोगों की समझ से बिल्कुल बाहर थी तभी एक जैपनीज लड़की जिसका नाम काना था उन लोगों के पास आती है और फोन में ओली और उसकी फ्रेंड यूकी की पिक्चर उन्हें दिखाती है वो उन लोगों को बताती है की ये पिक्चर उसने मुझे सुबह ही भेजी है और यूकी भी लापता है कुछ देर गुजरने के बाद उन लोगों के पास ओली के नंबर से एक पिक्चर आती है जिस पर लिखा होता है की मैं घर पहुँच चुका हूँ लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता रियलिटी तो ये होती है की किसी ने का सर उसकी बॉडी से अलग कर दिया था और साथ साथ वो यूकी को भी टॉर्चर कर रहा था दूसरी तरफ पैक्सटन और जोश काना के साथ वहाँ से निकलने का प्लान बनाते हैं और तभी वहाँ पर नटालिया और स्वेट लाना आ जाती है और उन्हें डांसिंग क्लब में चलने का बोलती है जोश का कहीं भी जाने का मूड नहीं था जबकि पैक्सटन अभी भी इंजॉय करना चाहता था और वो जोश को भी जाने के लिए एग्री कर लेता है क्लब में जाकर वो लड़कियाँ उन दोनों को कुछ खिला देती है जिसकी वजह से जोश की तबीयत खराब होना शुरू हो जाती है और वो वापिस हॉस्टल में आ जाता है जैसे ही वो अपने में पहुंचता है वो बेहोश हो जाता है और साथ साथ पैक्सटन की तबीयत भी खराब होती जाती है और वो वॉशरूम की बजाय क्लैथ रूम में चला जाता है और उसका डोर लॉक हो जाता है और वो लॉक में ही बंद हो जाता है और जब उसे होश आता है तब वो मुश्किल से ही कुछ देख रहा था वो देखता है कि किसी ने उसे एक रूम में लॉक कर दिया है और उसके चारों तरफ काफी ज्यादा औजार पड़े हुए हैं पहले तो कोई आदमी उसके मुँह से मास्क हटाता है और एक ड्रिल लेता है और उसके चेस्ट में दो होल कर देता है और वो कोई और नहीं होता बल्कि वही ही बिजनेस मैन होता वो जोश को बताता है की वो हमेशा से ही एक सर्जन बनना चाहता था लेकिन कभी भी नहीं बना उसकी वजह ये थी कि उसके हाथ हमेशा कांपते रहते थे जोश उससे काफी रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे छोड़ दे पहले तो वो उसके पाव पीछे से काट देता है और साथ ही साथ सामने से एक रूम का दरवाजा खोल देता है और जोश के हाथ पाऊँप भी और कहता है की अब वो आजाद है और वो जा भी सकता जोश जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन पाँव कटे होने की वजह से वो भाग नहीं पाया फौरन वहीं पर गिर जाता है और क्रॉलिंग करके वहाँ से भागने की कोशिश करता है लेकिन वो उसका गला काट कर उसे जान ऐसी मार डालता दूसरी तरफ पैक्सटन को भी होश आ जाता है और वो दोबारा उसी हॉस्टल में जाता है जिस पर उसे रिसेप्शनिस्ट बताता है कि वो सुबह ही चेकआउट कर गया है इसे सुनकर वो काफी हैरान हो जाता है क्योंकि उसने कोई भी नहीं किया होता और वो फिर एक रूम रेंट पर मांगता जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट उसे रूम दे देता है और साथ ही वो उसे काना के बारे में पूछता है जिस पर वो रिसेप्शनिस्ट जवाब देता है की वो भी सुबह ही सुबह यहाँ ऐसी चली गई है पैक्सटन अपने रूम में आता है और फिर से उसके साथ वो ही होना शुरू हो जाता है जब पहले हुआ था यानी रूम में आते ही उसे दो लड़कियां मिलती हैं जो उसे स्पा पर चलने का बोलती हैं। ये सब कुछ उसे काफी अजीब लग रहा होता है और वो काफी हैरान भी हो जाता है फिर वो जोश का फोन ट्राई करता है लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उसका मोबाइल फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है इसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट लिखवाता ले है लेकिन पुलिस वाले भी उसकी कोई हेल्प नहीं करते वो वापिस हॉस्टल में आकर नटालिया और स्वेट से जोश के बारे में पूछता है जिससे पहले तो वो उसे अपनी बातों में घुमाना शुरू कर देती है लेकिन जब वो काफी गुस्से में आ जाता है तब वो उसे बताती है की उन्होंने जोश को एक आर्ट एग्जीबिशन में देखा था और नटालिया पैक्टन को वहाँ लेकर जाती है वो उसे एक पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाती है जहाँ पर बहुत ज्यादा रिच लोग और उनके कुछ सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर खड़े होते हैं जब वो लोग अंदर जाते हैं तब देखते हैं कि उस आदमी ने जोश को बुरी तरह चीर फाड़ करके रखा हुआ था और वह उस पर किसी तरह का सर्जरी ऑपरेशन कर रहा है लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सकता सिक्योरिटी गार्ड फौरन वहाँ पर आ जाते हैं और उसे पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं अपने चारों तरफ देखता है जहाँ पर लोगों को बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा है और हर तरफ चीखने चिल्लाने की आवाजें ही आ रही है वो लोग पैक्सटन को भी उस रूम में जाकर बांध देते हैं और उसे भी कुछ बोलने का बोलते है जैसे ही वो मुँह से कुछ बोलता है गार्ड कहता है की ये एक अमेरिकी है। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है इसके साथ ही एक आदमी उसे टॉर्चर करना शुरू कर देता है और एक चेन टाइप इंस्ट्रूमेंट से उसका हाथ काटने के चक्कर में वो उसकी दो उंगलियाँ काट देता है और इसकी वजह से उसकी हथकड़ी भी कट जाती है फिर वो आगे बढ़ता है लेकिन उसका पाँव स्लिप हो जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसी चेन से उसका अपना ही पाँव कट जाता है एक्सटन जल्दी से खुद को आजाद कर लेता है पिस्टल उठाता है और फौरन उसे शूट करके मार देता है और फौरन सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पर आ जाता है जिस पर पैक्सन उसे ऐसे शो करवाता है जैसे कि वो अभी भी बंधा हुआ है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो उस गार्ड को भी मार देता है और इसके साथ ही उस पिस्टल की बुलेट्स भी खत्म हो जाती है फिर वो वहाँ से जाता है और भागते हुए एक रूम में पहुँच जाता है और वो देखता है की चारों तरफ डेड बॉडीज ही डेड बॉडीज पड़ी हुई है और अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है और वो उन्ही लाशों के दरमियान में छुप जाता है वो आदमी उन डेड बॉडीज को कहीं पर रखने के लिए ले जा रहा होता है और वहाँ पर पैक्सटन को जॉर्श की डेड बॉडी भी मिल जाती है वो किसी तरह खुद को संभालता है और मौका मिलते ही उस आदमी को भी मार डालता है वहाँ से निकल जाता है और लिफ्ट के जरिए वो फर्स्ट फ्लोर पर आ जाता है वहाँ पर वो एक रूम में छुप जाता है उसी रूम में उसे कुछ अच्छे कपड़े मिलते हैं और वो उन्हें पहन लेता है उस ड्रेस की पॉकेट में उसे एक कार्ड मिलता है जो उस जगह का एड्रेस था यानी उस जगह का नाम इलिट हंटिंग था और उस कार्ड के पीछे अलग कंट्रीज के लोगों का रेट भी लिखा हुआ था जिसमें अमेरिका के लोगों का रेट सबसे ज्यादा था अभी पैक्सटन ये सब कुछ पढ़ ही रहा होता है कि वहाँ पर एक आदमी आ जाता है लेकिन वो समझता है कि पैक्सटन एक क्लाइंट वो उसे बताता है कि उसे एक जैपनीज लड़की मिली है जिसके साथ उसने बहुत कुछ प्लान किया हुआ है और यहाँ पर वो किसी और की नहीं बल्कि उस लड़की काना की बात कर रहा होता है उस आदमी के जाते ही पैक्सटन उसकी पिस्टल उठाता है और वहाँ से बाहर आ जाता है बाहर आकर उसे एक कार नजर आती है जिसमे एक चाबी भी लगी होती है अभी वो कार में बैठ ही रहा होता है कि उसे काना की चीखों की आवाजें आती और वो फौरन उसे बचाने चला जाता है और जैसे ही वो उसके रूम में जाता है वो देखता है कि वही आदमी उसके फेस को टॉर्च से जला रहा है और वो उस आदमी को भी मार डालता है लेकिन साथ ही काना बहुत ज्यादा तकलीफ महसूस कर रही होती है क्यूँकी उसकी आधी आँख बाहर आ जाती है पैक्सटन उसे बचाने के लिए उसकी आँख को उसकी बॉडी से अलग करके काट देता है और ये चीज बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस पैदा करती है बहुत ही डिस्टर्बिंग सीन किसी तरह वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के वहाँ से बाहर आते हैं और गाड़ी में बैठ वहाँ से भाग जाए इसके साथ ही बहुत से सिक्योरिटी गार्ड उनका पीछा करते हैं रास्ते में जाते हुए उसे नटालिया स्वेट और अलेक्स नजर आते हैं वो उनको गाड़ी ऐसी उड़ा के मार डालता एक्सडेंट स्टेशन आरोप जाना चाहता था लेकिन रास्ते में पुलिस चेकिंग कर रही होती पुलिस वाले भी उन लोगों के साथ मिले होते हैं उनमें से एक पुलिस ऑफिसर एक्सडेंट को देख लेता है और जैसे ही वो उन लोगों की तरफ बढ़ता है वो कार से बाहर आकर वहाँ से भाग जाते हैं वो पैदल ही चलते रहते हैं और चलते चलते वो स्टेशन आरोप पहुँच जाते हैं लेकिन वहाँ पर भी वो देखते है कि बहुत से लोग उन्हीं की तलाश में हैं। वहाँ पर एक मिरन में काना अपना फेस देख लेती है और अपना फेस देख कर वो काफी डिसहार्ट हो जाती है और इसके साथ ही वो सामने से आती हुई ट्रेन के आगे कूद कर सुसाइड कर लेती है इस इंसिडेंट को देख कर सारे लोग वहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं और इसके साथ ही पैक्सटन को भागने का मौका मिलता है और मौके का फायदा उठा कर वो ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन भी वहाँ से चल पड़ती है और जब पैक्सटन ट्रेन में होता है तब उसे उसी बिजनेसमैन की आवाज़ आती है जिस स्टेशन पर वो आदमी उतरता है पैक्स वहीं पर उसका पीछा करता है वो बिजनेसमैन अपनी एक छोटी बेटी के साथ होता है और वो दोनों अलग अलग वॉशरूम चले जाते हैं वो आदमी काफी देर वॉशरूम से बाहर अपनी बेटी का इंतजार करता है लेकिन वो बाहर नहीं आती तब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर उसकी बेटी मौजूद नहीं होती सिर्फ उसका टॉय होता है वो अपनी बेटी को इधर उधर ढूंढता है लेकिन उसे कहीं भी उसकी बेटी नजर नहीं आती और दूसरी तरफ उसकी बेटी को किडनैप करके अपने साथ ट्रेन में ले जाता लेकिन साथ में वो भी अपनी बेटी को ढूंढता रहता है इस मूवी में जो क्लब दिखाया गया है वो ऐसा क्लब है जहाँ पर अमीर लोग अपने गुस्से और भड़ास को निकालने के लिए मुख्तलिफ कंट्रीज के लोगों को अपना शिकार बनाते और उन्हें जान से मार देते और अलग अलग कंट्रीज के लोगों का अलग अलग रेट भी है और सबसे ज्यादा अमेरिका के लोगों का रेट इसलिए है की वो अमेरिका के लोगों ऐसी बहुत ज्यादा नफरत करते है और ये काम वो बड़े अरसे से करते आ रहे हैं और पुलिस भी उनके साथ मिली होती है वो लोग विजिटर्स को लड़कियाँ प्रोवाइड करते हैं और इसी आर्ड में वो उन्हें मार देते हैं और इसके साथ ही भी एंड हो जाती है